नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। यह पूर्ण तौर से सत्य है कि राम नाम जाप करने से हर कष्ट का निवारण हो जाता है। इस जगत में राम के नाम को ही सत्य कहा गया है। भारत में एक ऐसा समाज भी है जो राम नाम की महिमा से ओतप्रोत है। मन में राम नाम की महिमा को बसाए इस समाज के लोग अपने समूचे शरीर पर राम नाम लिखवाते हैं। आइए आज आपको इस समाज के बारे में जानकारी देते हैं। यह समाज भारत के किस राज्य में रहता है? किस राज्य में रहता है राम नामी समाज? कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के राम नामी समाज से संबंधित लोगों को एक शताब्दी पहले ऊंची जाति के लोगों ने मंदिर में घुसने से रोक दिया था। इस घटना से आहत होकर इस समाज के लोगों ने पूरे शरीर पर ही राम नाम का टैटू बनवाना शुरू कर दिया। इस समूची घटना में भगवान की भक्ति के साथ साथ सामाजिक बगावत भी दिखाई देती है। इस समाज के लोग ना मंदिर जाते हैं, ना ही मूर्ति पूजा करते हैं। समूचे शरीर पर राम नाम को लिखवाने को वहां पर गोदना कहा जाता है। राम नामी समाज के लोग जहां शरीर पर राम नाम लिखवाते हैं, वहीं यहां के लोग राम नाम लिखे कपड़ों को पहनना अपनी शान समझते हैं। 70 साल के बुजुर्ग राम नामी टंडन का कहना है कि जिस दिन मैंने ये टैटू बनवाया, उस दिन मेरा नया जन्म हुआ था। इनके शरीर पर बने टैटू चाहे कुछ धुंधले हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके विश्वास में कोई कमी नहीं आई। इस समाज से संबंधित लोगों का कहना है कि वह भगवान को किसी खास जाति के साथ नहीं जोड़ते हैं। रामनामी जाति के लोगों की आबादी तकरीबन 1 लाख है। इन सभी में टैटू बनवाना एक आम बात है। नई पीढ़ी के युवाओं ने खुद को इस परंपरा से कुछ दूर किया है, परंतु वह अपने समूचे शरीर पर राम नाम को लिखवाने के स्थान पर शरीर के कुछ हिस्से पर राम नाम लिखवाकर एक सदी से जारी परंपरा को निभा रहे हैं। इस समाज के अधिकतर घरों के बाहर राम नाम लिखा हुआ है। यहाँ के लोगों को शराब पीने की मनाही है। यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा में राम नाम बोलना जरूरी है। राम नाम लिखवाने का खास अंदाज। रामनामियों की पहचान राम नाम लिखवाने का भी एक खास अंदाज है। शरीर के किसी भी हिस्से में राम नाम लिखवाने वाले को रामनामी कहा जाता है। माथे पर राम नाम लिखवाने वाले को शिरोमणि कहते हैं। पूरे माथे पर राम नाम लिखवाने वाले को सर्वांग रामनामी और पूरे शरीर पर राम नाम लिखवाने वाले को नक्षिक रामनामी के नाम से पुकारा जाता है। रामनामी समाज की करवाई रजिस्ट्रेशन। रामनामी समाज ने कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। इस समाज के लोग लोकतांत्रिक तरीके से हर 5 साल बाद चुनाव करवाते हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से उनके चुनाव हर 5 साल के बाद करवाए जाते हैं। कानून में बदलाव के जरिए समाज में ऊंच नीच को मिटाने का काम किया जा रहा है। रामनामी समाज भी अब बराबरी पाने की उम्मीदें लगाए बैठा है। तो दोस्तों, यह थी रामनामी समाज से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।